शुक्रवार को छाता तहसील के कस्बा कोसी कला के गांव शेर नगर में लैस नायक शहीद हेमराज की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद परिवारों के द्वारा मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद हेमराज पार्क पर लगी शहीद की प्रतिमा पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और जिला पंचायत सदस्य नरदेव चौधरी ने फूलमाला पहनाकर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। वहीं शहीद परिवार और उनके तीनों बच्चों ने अपने पिता को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान दूर दराज से शहीद मेले में आने वाले आगंतुकों ने शहीद की प्रतिमा पर माला पहनाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद हेमराज परिवार के द्वारा शहीद की याद में आयोजित किए गए मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहे, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए देशभक्ति नाटक और भारतीय फौज के रूप में छोटे छोटे बच्चों के कार्यक्रमों को देखकर जमकर सराहना की। इस मौके पर पूरा शहीद पार्क भारी जनसैलाब के साथ भरा हुआ दिखाई दिया। शहीद परिवार के मुताबिक आज भी तत्कालीन सरकार के द्वारा शहीद हेमराज को लेकर की गई घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, जिसको लेकर वे कई बार वर्तमान केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। शहीद हेमराज की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लगे मेले में वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मवीर अग्रवाल, पूर्व रामलीला अध्यक्ष युवा आशीष ठाकुर, नरदेव चौधरी, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र चौधरी सहित दर्जनों लोग मंच पर मौजूद रहे। मंत्री क्या कहना चाहेंगे? शहीद हेमराज की 8वीं बख्शी है। शहीद हेमराज के अंतरराष्ट्रीय नियमों के विपरीत पाकिस्तान के सैनिक ले गए। पूरे विश्व ने पाकिस्तान के ऊपर थू-थू किया। शहीद हेमराज के यहाँ 8 वर्ष पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, ये सभी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए। शहीद हेमराज की यादगार में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने एक विशाल गेट का निर्माण कराया है। शहीद हेमराज का जो शहीद स्थल है, जहाँ उनकी मूर्ति है, उसकी 4 दीवारी करा के उसमें ये बढ़िया फर्श कराया जाए। एक गौशाला का निर्माण भी शहीद हेमराज के नाम से होगा। यहाँ कोसी कला से, कोसी शाहपुर रोड से बरचावली होते हुए जो श्रीनगर रोड आती है, उसका नाम शहीद हेमराज के नाम से है। बरचावली से रूपनगर के लिए एक मार्ग जिसे हम आधुनिक तकनीक से बना रहे हैं, मशीन से बनवा रहे हैं, उसका नाम भी शहीद हेमराज के नाम से हो। मेरा प्रयास है एक बार यहाँ मुख्यमंत्री जी को बुलाने का, और यहाँ कोई शिक्षण संस्थान या कोई ऐसी चीज भी बनवाने का हेमराज के नाम, जिससे हेमराज का नाम सदियों रहे। आज भी पूरी ब्रजभूमि का जो नाम शहीद हेमराज पूरे देश में रोशन किया है, उसके लिए सभी समस्त ब्रजवासी आज भी शहीद हेमराज के चरणों में नमन करते हैं। हार्दिक